खिलाड़ी रामचंद्र हेमरंग जी हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे खिलाड़ी थोड़ा एक बार यहाँ पर कोच बन सकता है और बहुत ही डालेगी। वाह, हेमरंग जी खेल रहे हैं, थोड़ा एक बार यहाँ पर मौका। वाह, चलिए तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर जेबी केसेस की ओर से। वाह, क्या मौका, जिन टीमों ने इतना मेहनत करके बॉल को डी एरिया से पार करने का कोशिश करेंगे और उसके बीच में अगर इस तरह से चूक हो जाती है तो बड़ा अफसोस रहता है अपने टीमों के लिए। संजय और ये आना पाने वाला शॉट लेफ्ट फॉरवर्ड पर दिनेश हेमरंग। चलिए एक्स्ट्रा खिलाड़ी रामचंद्र हेमरंग जी हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे खिलाड़ी थोड़ा एक बार यहाँ पर कोच बन सकता है और बहुत ही डालेगी। वाह, संदीप से दो गोल मारने में चूक हुई है, अगर एक थोड़ा सा स्लो जाती गेंद को लेकर के थोड़ा सा स्लो अगर जाने का कोशिश करते थोड़ा सा तेज रफ्तार के साथ शायद ही इस तरह का मौका दोबारा मिल सकता है। लेकिन ज्यादा कहना भी तो सटीक नहीं है, ऐसा मौका कितनी बार आएगी कितनी बार जाएगी तो देखने वाली बात होगी आप सब के लिए, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूं कि दोनों ही टीम जो है जबरदस्त खिलाड़ियों से भरमार टीम। दूसरी अगर मैं बात करना चाहूं यहाँ पर हुजूम बैज मार्गो, हुजूम बैज मार्गो जो पूरी तरह से आज स्टार खिलाड़ियों का समावेश जरूर हुआ है यहाँ पर। संजय के पास बॉल, तो चलिए हुजूम बॉयज की तरफ एक बार एक नजर डाल के देखना चाहते हैं। यहाँ पर गोलकीपर की भूमिका पर बाबलू मुर्मू जी हैं, फुल डिफेंडर की भूमिका पर प्रसाद मुर्मू जी हैं, राइट हाफ डिफेंडर की भूमिका पर दीपक मुर्मू, लेफ्ट हाफ डिफेंडर की भूमिका पर साइमन हेमरंग जी खेल रहे हैं। एक बार यहाँ पर मौका बाबलू मुर्मू को भेज पाना मुश्किल हो गया यहाँ पर। निर्णय को से बहस करना बेकार है, जो भी गलतियां हुआ हमसे चलिए स्वीकार करने से ही भलाई है, क्योंकि दूसरी बार अगर इस तरह से क्रियाकार से सुसज्जित होंगे तो बड़ी मुश्किल हो सकते हैं। और ये बड़ा चूक हो चुका है यहाँ पर, हालांकि गोल बचाने के लिए दो खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन एकदम अंतिम छोर पर यहाँ पर हुजूम बैज मार्गो के खिलाड़ी थे और उनके सामने जरूर यहाँ पर जेबी केसेस के खिलाड़ी थे, गोलकीपर को छकाने में सफल हुए। इसी के साथ हुजूम बैज मार्गो आज 1-0 की बढ़त के साथ खेल रहे हैं। बदन सुने के बढ़त ले चुके हैं, अब देखने वाली बात होगी यहाँ पर कि अभी जो समय बचा हुआ है उसमें क्या करना हुआ कर दिखाते हैं जेबी केसेस के खिलाड़ी। शॉट ठीक से नहीं लगा पाए, चलिए कोशिश अब जरूर होगी कि अपने आप को बराबरी पर कैसे लाएं। तबाड़ तोड़ खेल होता हुआ मैदान के बीचों बीच और यही होता है कि जब एक टीम सीएचपी हरिहरपुर बनाम राजेश वर्धस
सीएचपी हरिहरपुर बनाम राजेश बर्गर। दोनों टीमों के टीम मैनेजर कप्तान बनने से अनुरोध है कि आप लोग बिना विलंब किए चलती गेम में 1-0 की बढ़त के साथ यहां पर हुजूम मेजबान को खेल रहे हैं। मध्यांतर का समय भी बराबरी पर कैसे लाएं और किस तरह से लाएं, टेढ़ी चोटी एक करने की कोशिश में यहां पर जेबी केसेस बना ऐसा नजरअंदाज लग रहा है। पर राम जी की जो 1-0 से पिछड़ रहे हैं ना, वे अपने आप को बराबरी पर लाने के लिए पूरी तरह से मैदान पर अपना ताकत झोंकने का कोशिश कर रहे हैं, ताकत दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, खेल का जलवा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर अपने पैरों में जो चमत्कारी है वो दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दमदार टीम हुजूम मेजबान को पूरी तरह से दम लगा के वहां पर मौजूद है। 15 नंबर पर संजय है, 7 नंबर पर और माहली को ही, संदीप माहली को ही यहाँ पर मौका दिया। हालांकि 10 नंबर पर दुर्बल बास्के भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा दिलाए संदीप माहली पर कि इन्होंने बहुत ही अच्छा शॉट लगाते हैं, बहुत अच्छा किक लगाते हैं और निर्णायक कुछ इशारा करें कि भाई आप लोगों को पीछे आना होगा। गेंद तो सही दिशा में ही जा रही थी, बंधु आपने तो गेंद को रक्षा पंक्ति के रूप में बॉल को बचाने का प्रयास किए, हालांकि घुमाने का प्रयास किया थे। एक बार आक्रमण करने की कोशिश कर यहां पर जेबी केसेस के खिलाड़ी और लंग पास के जरिए बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास, गेंद को उछाल दिए हैं। हालांकि वहां पर कोई साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं, लेकिन बॉल को बीच में रोकने का प्रयास जरूर हो रहा है। एक बार क्या करें नहीं करें, यहाँ पर जेबी केसेस के खिलाड़ी डिफेंडर पूरी ताकत के साथ बॉल को रोकने में कामयाब, थोड़ा सेंटर लाइन के आसपास गेंद को बढ़ाए हैं। अब थोड़ा खलबली जरूर बचेगी क्योंकि समय अपना हाथ से खिसकता हुआ, तेज रहा शॉट लगा दिया यहाँ पर, लेकिन संदीप माली वहां पर हिट लेने के लिए मौजूद थे, लेकिन गेंद काफी हवा, लेकिन डिफेंडरों के चाल में जरूर और इस तरह से कुछ गलती कर बैठे जेबी केसेस के 13 नंबर के पोशाक पर खिलाड़ी। मैं पास पास मत हो, बॉल का बंटवारा करते हुए सेंटर लाइन के आसपास और इस तरह से छीना झपटी के दरमियान थोड़ा सा धूल चुक जरूर हुआ है मैदान के बीचों बीच। अड़ियों के द्वारा बॉल को बाहर करने में सफल हुए थे। अब देखते हैं 10 नंबर के पोशाक पर बास्के जी किस तरह से चल रहे हैं। चलिए एडवांटेज के शॉट कॉर्नर लेते हुए बॉल आगे बढ़ा रहे हैं और वहां पर एक हेडर की जरूरत है। वाह वाह, और क्या कहेंगे, कुछ कहने वाले तो कुछ है नहीं, इतना सुंदर है। लेकिन बार पोस्ट में लगता हुआ गेंद यानी कि इसके लिए और इसी के साथ खेल समाप्ति की घोषणा।